हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लोकेश, ओनर ऑफ रुद्र डॉग अब एंड केनल, देवली टॉक, राजस्थान। और आज मैं आया हूँ हमारे प्रियांशु भाई जो शाहपुरा में रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे डॉग से मिलाऊंगा और एक ऐसे डॉग लवर से मिलाऊंगा जो जिन्होंने इस डॉग को किस कंडीशन से उठाया था और आज ये डॉग कैसा है। तो अब मैं आपको प्रियांशु भाई का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और इस डॉग की जो आगे की कहानी है वो यही बताएंगे। तो बताएं आप। हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु, शाहपुरा भिलोड़ा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में पढ़ता हूँ। और ये जर्मन शेफर्ड की फीमेल, मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ पे गया था तो वहाँ पे मतलब गायों में, भैंसों में बंधी हुई थी बाड़े में। और इसके चीचड़े नहीं, जिस ये जितने आपको बाल दिख रहे हैं वो कुछ नहीं था इसके। लेकिन मैं बहुत काफ़ी समय से डॉग लवर हूँ और जानवरों का बहुत शौक है मुझे। लेकिन घर वालों की अनुमति के बिना मैं ला नहीं सकता और घर वालों ने भी मना कर दिया था। इसी कारण फिर मुझे दया भी आ गई और घर वालों को भी बहुत मनाना पड़ा और इसको मैं लिया यहाँ। और लाया जाए तो कंडीशन बहुत ख़राब थी, मैं बाहर भी नहीं ले जा सकता था। बाहर भी ले जाता तो लोग बहुत हंसते थे मेरे ऊपर कि ये कैसा डॉग लाया था। लेकिन अभी लोग बाग पूछने आते हैं यहाँ पे। और फिर मैंने बाद में मेरे भैया से गाइड ली कि भाई अब क्या खिलाना है, कौन सी डाइट, दवाई, छाछ, दही, जो भी उन्होंने बताया उनके गाइड के अनुसार ही पली है ये। भाई मुझे इतना कोई नहीं आता है कि भाई ये डिवॉर्मिंग करनी है, सुबह पेडिग्री खिलानी है, शाम को ये खिलानी है। ओनली और भैया की गाइड पर चली है। तो देखो दोस्तों, इसमें मेरा भी जो मेरे को पता था मैंने बताया, लेकिन मेहनत इस बंदे की है जो इसने दिन रात मेहनत करके आज इस फीमेल को ऐसी कर दी है। तो आप प्लीज़, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्लीज़ डॉग ना लाएं। खाली दिखावे के लिए नहीं लेके आएँ कि यार उसने पाल रखा है या किसी और ने रख रखा है तो हम भी डॉग लेके आएँ। अगर आपके घर में सबको प्रेम है और आपको भी टाइम है तो डॉग लेके आएँ, बाकी आप डॉग ना लाएं। क्योंकि उस बेचारे का आपके सिवा उस घर में कोई नहीं है। आप लाके उसको खाली बांध देते हैं और खाली 2 वक्त खाना डालने से कोई डॉग पलता नहीं। डॉग को प्रेम भी चाहिए, घूमना फिरना, उसकी केयरिंग, बहुत सारी बातें हैं। तो प्लीज़ आप डॉग, अगर आपको टाइम है और आपके घर वालों को भी उससे प्रेम है तो ही डॉग लाएँ, अन्यथा आप मत लाएँ। अब प्रियांशु भाई इसको रख रहे हैं तो इनके घर वालों को भी प्रेम है। ये मेरे मामा के लड़के हैं। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत अच्छे डॉग लवर हैं। अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो इसकी कंडीशन देख के नहीं लेके आता कि यार ये इसको कौन सही करेगा, इसका कौन ट्रीटमेंट कराएगा। अभी मैं आप इसकी वीडियो दिखाऊंगा इस फीमेल की, और आप देखिएगा कि इस फीमेल को एकदम एक कोई धूल का कण भी नहीं है इसके अंदर। और बिल्कुल एकदम ये नीचे आराम से बेड पे, सोफे पे रहती है और बहुत अच्छी केयर है इसकी। फीमेल भी काफ़ी अच्छी है ये। तो चलिए मैं अब आपको फीमेल दिखाता हूँ। अरे चल, अरे उठे रहा बस। हाँ यू यू कर, तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसी थी फीमेल। और मैं इसमें जब ये लेके आए थे तब की भी इसकी आप इसमें फ़ोटो डाल दूंगा मैं, तो आप देखना कि ये फीमेल कैसी थी। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम हो तो ही आप डॉग लाएं, अन्यथा ना लाएं। एक दूसरे का देख के आप डॉग ना पालें क्योंकि उस डॉग के लिए आपको बद्दुआ लगेगी, तो प्लीज़ वो डॉग भी दुखी रहेगा। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो लाता रहूं। तो थैंक यू। अपने डॉग्स का ख्याल रखें और आपके आसपास जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं प्लीज़ उनका भी ख्याल रखें।
और मेरे जो राजस्थान के भाई हैं उनसे मैं एक ये अपील करूँगा कि जितने भी आपके आसपास जो गायें हैं तो प्लीज़ उनका भी अभी ख्याल रखें, क्योंकि हमारे राजस्थान में लंपी रोग चल रहा है और हमारे प्रियांशु भाई हैं तो शाहपुरा के आसपास के जितने भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई गाय लंपी रोग से ग्रस्त है तो प्लीज़ आप इनके, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप इनसे कांटेक्ट करें। इनकी वानर सेना करके एक टीम है तो वो ये जो बंदे इसी चीज़ में काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इन्हें सपोर्ट करें ताकि ये आगे से आगे इस कार्य, क्योंकि सब नहीं कर पाएंगे तो प्लीज़ आप इनका सपोर्ट करें तो कम से कम ये वहाँ पहुँच के उन गायों का इलाज कर पाएँ। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इनका सपोर्ट करें। तो मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।